अरे यार चेट, इतने लोग खड़े हुए हैं, अब कैसे लूंगी जो मुझे लेना है। सरदर्द की टैबलेट भैया वो दिखाना। लंजी ये? हाँ ये लो लंजी। भैया आप एक काम करो वो दिखा दो। जो चीज मैं खुलकर मांग सकती हूँ वो चीज मुझे मांगने में शर्म आ रही है, और एक ये लोग हैं कि जो चीज करने तक नहीं चाहिए ये लोग खुलेआम कर रहे हैं। भैया ये नहीं, आप मुझे फेस वॉश दिखा दो। बहन जी आपको चाहिए क्या? पिछले एक घंटे से आप यही बोल रहे हो ये दे दो वो दे दो, क्या चाहिए आपको? अरे भैया ले तो रही हूँ, ऐसे बिना देखे कोई भी सामान ले लो क्या? आप मुझे काम करो वो दिखाओ। भैया एक विस्पर देना। अरे बहन जी सीधा साधा बोलते हैं ना कि विस्पर चाहिए। अरे भैया कैसे बोल सकती थी, इतने सारे लोग खड़े हुए थे। ये लो बहन जी। अरे भैया एक रैपर में लपेट के दो ना। अच्छा अच्छा बहन जी। प्लीज आप ले आओ ना यार प्लीज। ऐसे कब तक शर्माती रहेगी, इतनी बड़ी हो गई है, कब जाएगी अकेले लेने? चल शर्माती नहीं। ओ भैया पैड देना। कौन सा वाला बहन जी? अरे भैया बढ़िया वाला दिखाओ ना, जिसमें दाग धब्बे ना लगे और कपड़े वपड़े खराब ना हो। बहन जी सारे ही पैड बढ़िया होते हैं, आपको कौन सा चाहिए? अरे भैया क्या बात कर रहे हो, आपने लास्ट टाइम घटिया वाला दे दिया था वो शर्मा जी की लड़की को, उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे और 50 पड़ोसी उस पे बात बना रहे थे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पे कोई उंगली भी उठाए, इसलिए बढ़िया वाला दो। ये लो वन जी, एक नंबर का पैड है। भैया थोड़ा बढ़िया वाला दिखाओ ना, ये तो सस्ता सा लग रहा है। यू नो ना क्वालिटी मैटर्स। मम्मा सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? चुप कर तू, पकड़ इसे। बहन जी पैडमैन मूवी का आपको पैड देता हूँ, अक्षय कुमार ने खुद अपने हाथों से बनाया था, ये देखिए। हाँ ये बढ़िया लग रहा है, सच में अक्षय कुमार ने बनाया। और क्या बहन जी अपने हाथों से जी। ये बढ़िया है, सीधे दे वापस। ओ भैया पैड देना। पैड? हाँ पैड, नहीं पता क्या? जो पीरियड्स में लड़कियां यूज करती हैं, जो लड़कियां लगाती हैं, वो पैड दो। अरे भैया समझ नहीं आ रही क्या मैं क्या कह रही हूँ? जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, जो लड़कियां इस पर यूज करती हैं, वो दे दो सैनिटरी पैड्स। अरे भैया लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए तो इस पे मूवी बन गई पैडमैन, और आपके मुंह अभी भी खुले हुए हैं। कौन सी सदी में जी रहे हो भैया? नहीं नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बताओ आपको कौन सी कंपनी का पैड दो? अपने बीवी को जो देते होगे वो बढ़िया ही तो देते होगे, वो वाला दो। हाँ जी मैडम ये लो मैडम। भैया ये 25 का, ये 19 का, ये 18 का और ये 40 का, काम तो सब एक ही करता है तो इसका रेट अलग क्यों है? मैडम आप 20 मिनट से है ना सिर्फ देखे जा रहे हो, ले तो हो नहीं रहे, और है ना सबका रेट अलग होता है, लिखे तो होते हैं उनपे। हाँ भैया मैं यही तो पूछ रही हूँ, सारे तो एक ही काम में आते हैं तो इसका रेट अलग क्यों है? अरे मैडम आप 2-4 रुपए कम दे देना, ऐसे ही ले जाओ। क्या भैया क्या मतलब है फ्री में ले जाओ, मैं क्या आपको गरीब दिखती हूँ?
मैं क्या भिखारी हूँ? अरे भाई सही रेट बताओ ना, डेली कस्टमर हूँ मैं आपकी, आई एम अ रियल ग्राहक। आपका फर्ज बनता है मुझे सही रेट बताना और जागरूक करना, सरकार भी यही बोलती है। अच्छा ठीक है मैडम, आप 18 रुपए दो और ले जाओ। हाँ यही हुई ना सही बात। भैया वो लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो रखी है हमको। कौन सी लड़कियों वाली प्रॉब्लम? अच्छा प्रेग्नेंट हो आप? ये लो आईपिल। अरे नहीं भैया, इससे भी पहले वाली। इससे पहले वाली? अच्छा अच्छा इससे पहले वाली, ये लो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड। अरे नहीं भैया, इससे भी पहले वाली। अरे मैडम इससे पहले कौन सी प्रॉब्लम होती है लड़कियों की, आप ही बता दो ना। अच्छा 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 वो वाली। अच्छा ये लो गर्भ निरोधक गोली। अरे भैया आप समझ नहीं रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। अरे मैडम आप क्या कहना चाहते हो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपको क्या चाहिए मैडम खुल के बता दो। अरे भैया आप समझो ना, मैं नहीं बोल पा रही हूँ खुल के, इससे भी पहले जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों को वो। अरे मैडम इससे पहले कौन सी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना तो है ना आप मैम डॉक्टर से लिखवा के ले आओ, मेडिसिन मैं दे दूंगा। अरे भैया इस चीज के लिए डॉक्टर से नहीं लिखवाने की जरूरत है। तो मैडम आपको क्या चाहिए आप खुल के बोलो खुल के। अरे भैया यार पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा आपके पेट में दर्द है ना, ये लो पेट दर्द की गोली। अरे भैया पेट दर्द के बाद क्या होता है? पेट दर्द के बाद लूज मोशन लगते हैं, ये लो मैम लूज मोशन की टैबलेट। भैया लूज मोशन नहीं। अच्छा सुनो आपकी शादी हुई है? हाँ मैडम दो बच्चे भी है। तो आपकी बीवी को जब पेट दर्द होता है तो उसको क्या होता है और आप उसे क्या देते हो? मैडम मेरी बीवी को है ना पेट दर्द के तुरंत बाद है ना लूज मोशन लगते हैं, मैं उसे महंगी वाली टैबलेट देता हूँ, ये लो महंगी वाली टैबलेट, आप ये वाली छोड़ दो। अरे भैया पागल वागल हो क्या, आपने भांग खा रखी है? ये नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पैड्स। मैडम पैड चाहिए ना आपको, तो सीधा सीधा बोल दो ना पैड चाहिए, पैर पे क्या टैबो लगे हुए हैं, दिमाग खराब कर दिया आपने, जाओ ले जाओ। भाई ये सामने वाली दुकान से जाकर लेकर आना। तू पहले लेकर आ फिर मैं तुझे बताती हूँ कि क्या है, पकड़। नहीं दीदी आप पहले बताओ ना प्लीज। भाई जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब मैं तुझे बताऊंगी, जा भी लेकर आ। नहीं दीदी बताओ ना प्लीज, नहीं तो मैं पापा से पूछ लूंगा। अरे नहीं नहीं भाई तू पापा से जाके कुछ मत पूछना, मैं ना तुझे 10 रुपए देती हूँ तू चॉकलेट खा लेना ठीक है, तू अभी प्लीज ये जाकर लेकर आ ठीक है। घोर कलयुग चल। हे गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और स्पेशली गर्ल्स अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि वो इस वीडियो को अपने रियल लाइफ से कितना रिलेट कर पाते हैं और कौन सी लड़की किस टाइप की है, कोई डम्बो है कोई ओपन माइंड है। सो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर लव यू। हाँ पैड नहीं पता, हंस क्यों रहा है अब? तू हंस रही थी। तू हंस रहा है, चुप रह यहीं से ले, यहीं से ले ठीक है। भैया बंद करना, बंद करना एक बार ठीक है। अब मत हंसियो, देख मैं सीरियस होके कर रही हूँ। अरे भैया लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक था फम्बल हो गया फिर से। अरे भैया लोगों को क्या था अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाने बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ठीक है।
ये सामने वाली दुकान से लेकर आना। अरे सुन, बोलना है कि दीदी ये क्या है, तेज से, ठीक है? दीदी ये क्या है? अभी फिर से करना ऐसा, ठीक है? जब मैं कहूंगी ना लेकर आओ, तो तुम बोलना दीदी ये क्या है, ठीक है?